हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है उसका टॉपिक है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज मैं कराऊंगा उसके 7, 8, 9 रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल बुक से, और ये मेरे 2022-23 के सेशन का जो अकाउंटिंग मैंने स्टार्ट किया टी एस ग्रेवाल वाली बुक वाली, उसकी ये फिफ्थ वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिफ्थ वीडियो में मैं आपको 7th, 8th, 9th क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, वो आपके पास अगर नया एडिशन है तो उसमें से देखिए, ये पेज नंबर 2.85 उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इससे पिछले 6 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोज़ में आपको करवा चुका हूँ, तो ये वीडियो नंबर 5 है, तो इसमें मैं आपको 7th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, उन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ऑन 1 अक्टूबर 2021 को द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, उस पर वो साइलेंट है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कम्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो हर साल किताबें 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं, 1 अक्टूबर को लोन दिया है उन्होंने, ठीक है। तो फिर क्या होगा, साइलेंट है ट्रीटमेंट के लिए वो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो 6% लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या करना होता है, उसने कि अब कोई अकाउंट का नाम नहीं बोला, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कहा है। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ 7th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर, ठीक है। 2 पार्टनर हैं, एक है सीता और दूसरा कौन है, गीता। पहले तो इन दोनों के नाम लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद उन्होंने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:5 और 2:5 आ जाएगी। अब अमाउंट ऑफ लोन उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे उन्होंने दिया है, तो ये अमाउंट कितना है हमारे पास अमाउंट है ₹30,000। तो 30,000 का यहाँ पे आ जाएगा 30,000 × 3/5, और इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000 का 2/5, ठीक है जी। ओके, 2/5 और 3/5 आ जाएगा, तो 30,000 × 5 × 3 करके इसका अमाउंट तो आ जाएगा लोन का 18,000 का, और इसका कितना आ जाएगा 12,000 का, नेचुरली रिमेनर रह गया, ये 6,000 से कट गया, 6 × 2 = 12, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेंटर में लाइन भी लगा सकते हो, मैंने वो रेशो वाला ही पॉइंट लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी लाइन लगा लीजिए, डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब आपको पता चल गया ना कि उनका इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ लोन कितना आया, 18,000 और 12,000, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा। ये उन्होंने दिया था 1 अक्टूबर 2021 को, बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को, ठीक है। 31/3/22 तक का ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो जो सीता का अमाउंट ऑफ लोन इंटरेस्ट आएगा वो 6/12 × 6/100 × 6/12 हो जाएगा। तो 18,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये इसका आ जाएगा 5/40, कितना आ जाएगा 540, ठीक है जी। मतलब ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 3 18 × 54 540 आ गया, ठीक है जी। उसी तरह ये 12,000 को 6%, 12,000 को अपने 6% करना और इंटू 6/12 कर देना, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 0 से कर गई कट गई, और ये कितना आ गया 12 × 36 ₹360। तो ये आप इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन बना, कोई अकाउंट बनाने को नहीं बोला था उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि कम्यूट, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जब कुछ ना पता हो तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है, ठीक है जी। तो ये रहा आपका 7th क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको करवाता हूँ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। 8th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8th क्वेश्चन में डिफरेंट केसेस भी हैं, एक्स एंड वाई। सो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद देयर कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2021 एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ ₹80,000 और ₹40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नेचुरली शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। स्टूडेंट्स, इसमें जैसे उसने सिर्फ शो कहा है पर ये नहीं बताया कि P&L अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, ठीक है। इसलिए हमारे पास थोड़ी लिबर्टी रहती है कि इसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, बट मैं आपको पूरी तरह ये इसको प्रॉपर तरीके से करके दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं ऐसा
तो चलिए एट्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम वर्किंग लिख लेते हैं। वर्किंग में क्या आएगा, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है जी। उनकी रेशो क्या है, 2:3 की रेशो है, ठीक है जी। तो उसके बाद उनका कैपिटल का तो इसमें क्वेश्चन में कोई रोल नहीं आएगा, तो इसलिए मैं वो भी नहीं लिख रहा। 1/10/21 को उन्होंने लोन दिया है 80,000 का, ये लोन का अमाउंट है, और इसका लोन का अमाउंट कितने, 40,000 का। तो 6% इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा आपका, जब कुछ नहीं होता तो 6% पर एनम। तो 1 अक्टूबर को लिया, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, नेचुरली सिक्स मंथ्स का ही कैलकुलेट करेंगे ना, 31 मार्च तक। तो इसका एक्स का आ जाएगा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। अगेन 80,000 का 6% कितना आ गया, 80,000 का 6% 4800/2 करके इसका 2400 आ गया। इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 2400। आप इधर लाइन लगाना चाहते हो तो लाइन लगा लीजिए, अलग अलग भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो दूसरे का है 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 2 का 3 आ गया, ये इससे कट गया, और ये इसका आ गया 1200 रुपया। इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गया, 1200 रुपया। अब उसने कहा है केस वन, यहाँ तक तो नॉर्मल या कॉमन था सबके लिए। अब केस वन में वो क्या कह रहे हैं, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंट बना के देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन दोनों बनेंगे इस केस में, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी है ना था। तो क्योंकि इंटरेस्ट लोन ऑन लोन वो चार्ज होता है, वो तो P&L से कटेगा, ओके जी। तो बाकी प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉपर तरीके से वर्किंग से आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा, ओके जी। तो यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया हुआ, ये डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई, ये रुपीज बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितने का है हमारे पास इस क्वेश्चन में, हमारे पास है 21,000 का, ठीक है जी। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या हो गया, कितना आ गया एक्स का और वाई का, 2400 और 1200। 2400 और 1200 को ऐड कर दो तो 3600 आ गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो इसमें से 3600 में से आप कितना माइनस कर दोगे, 21,000 में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास रह गया 17,400। तो ये 21,000 यहाँ पे आप ऐसे कर दो, 21,000 ये, और यहाँ पे हम बनाएंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट और ये डेबिट। और यहाँ पे आएगा बाय P&L करके नेट प्रॉफिट कितना आ गया था, 17,400। तो अब ये पार्टनर्स को हमने क्या करना है, बांट देना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो एक्स और वाई वो क्या है, 2/5 और इसका 3/5। तो 17,400 को ही तो बांट रहे हैं, तो 17,400 को हम क्या करेंगे, 2/5, ये आ जाएगा 6960, ठीक है जी। और उसमें से दूसरे का कितना आ जाएगा, 10,440, ठीक है जी। कितना आ गया उसका, 10,440, ठीक है जी। ये बन के आ गया आपका 17,400, कितना आ गया, 17,400, यहाँ भी 17,400 कर दो। तो ये आपका फर्स्ट केस पूरा हो गया, जिसमें हमें पहले 21,000 प्रॉफिट था, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बांट दे दिया, बाकी प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया, और वहाँ से एप्रोप्रिएशन उनके रेशो के हिसाब से हमने बांट दिया, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे इसका केस नंबर 2। केस नंबर दो में वो क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 2,3000। अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 3,000 का। तो
तो मैं फिर आपको पी एंड एल अकाउंट ही बनाता हूँ। एक मिनट पहले आपको बताता हूँ कि मैं यही क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से पी एंड एल अकाउंट को, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 3000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रुपीज़, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 3000 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है एक्स और वाई का, वो कितना 2400 और ये कितना है 1200, तो ये आ गया 3600, ठीक है। तो 3600 का मतलब क्या, अब हमारे पास तो ऑल फिर यही लॉस हो गया, तो ये तो अप्रोप्रिएशन में जाएगा नहीं, ये लॉस हम यहीं से बांट देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स और वाई उनकी रेशियो 2:5 और 3:5, और लॉस कितना है 600, ये आपने बांट देना है। तो 600 इंटू 2:5 ये आ गया 240 और 360, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई आपको। चलिए ये 540 कितना आ गया 240 और 360 ये हमने बांट दिया। अब इसका हमारे पास आगे क्या है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हर केस में इंटरेस्ट ऑन लोन सेम रहेगा, वो कॉमन है इसलिए लिखा हुआ। तो यहाँ पे केस नंबर 3 में हमारे पास प्रॉफिट कितना रहा, इफ़ द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5000, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ₹5000 हमारे पास पी एंड एल का प्रॉफिट है, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट, ये डेबिट, ठीक है, ये रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 5000 का, ओके जी। तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके, ये एक्स और वाई का कितना 2400 और ये 1200 और ये कितना आ गया 3600, ठीक है। तो अब ये 5000 में से 1400 बचेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें से 1400 ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे, ठीक है जी। 5000 में से ये 5000 का आगे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट को, और वहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है हमारे पास, तो यही ट्रांसफ़र करके हम उनको प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय पी एंड एल, एनपी कितना 1400, ठीक है जी, एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, ये 2:5 और ये 3:5, तो प्रॉफिट तो 1400 ही है, 1400 को आप 2/5 कर दो, 14 × 2/5 ये आ गया इस 1400 × 2/5 560 इसका आ गया, और 840 इसका आ जाएगा 3/5 का, तो ये 1400 रुपया उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी, समझ लग गया बेटा। इस केस में तो 3 था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो चार्ज होता है वो देने के बाद हमारे पास लोन लॉस आ गया 600 रुपया, वो बांट दिया हमने, वहीं से ट्रांसफ़र कर दिया उनके प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको अप्रोप्रिएशन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस था। यहाँ पे 5000 देने के बाद अभी भी 1400 बचा हुआ है, 1400 आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 में इफ़ द लॉस, यहाँ फर्म का ऑलरेडी लॉस है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1400, तो इसका मतलब ऑलरेडी लॉस है, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है वो चार्ज होता है, वो हर केस में हमें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आ गया क्रेडिट साइड ₹, ये आ गया डेबिट साइड
टू नेट लॉस, ये ऑलरेडी लॉस है 1400 का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो इधर ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना एक्स का और वाई का 2400 और 1200, यही निकाल कैलकुलेट किया था ना, 2400 और 1200 हर केस में वही 3600 ही रहेगा। 3600 करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 045, 5000 रुपया आ गया, ये 5000 रुपया आ गया ना ये, ठीक है। तो ये 5000 को हम अब लॉस को यहीं ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को 2/5 और 3/5 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 2000 और ये 3000 करके 5000 यहाँ चला गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोट लिखना चाहो, पर नोट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज, सो ईदर देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस, ओके, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी पेड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, वेदर सॉरी वेदर इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन इवन लिख लो इवन लिख लो इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन टू लॉसेस, ठीक है, चाहे वो फर्म को लॉसेस में डाल दें, ओके जी। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा एज ए चार्ज, ठीक है जी, ओके। इवन इट इन्वॉल्व्स अ फर्म इनटू लॉसेस, चाहे लॉस हो रहा है या लॉस बढ़ रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको कराता हूँ नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये देखिए, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 12,000, 1,20,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2021 बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ ₹2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। बैट हैड अलॉट फर्म टू हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 5,000। लॉस फॉर द फर्म बिफोर द रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹9,000 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इस केस में लॉस ही आएगा, वो दूर से पता चल रहा है, वो कैसे, क्योंकि उन्होंने तो लोन भी लिया हुआ है और फर्म ने बॉल की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, किसके लिए, रेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, मैं आपको बताता हूँ ये सारा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रुपीज क्रेडिट डेबिट, ठीक है जी। ये आएगा टू नेट लॉस, नेट लॉस ऑलरेडी हमारे पास कितना है यहाँ पे 9,000, ठीक है जी। और रेंट भी देना है, टू रेंट, क्योंकि रेंट भी चार्ज होता है, रेंट कितना आपका 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, 5,000 इंटू 12 करके ये कितना गया 60,000, एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों चार्ज होते हैं और उनके नाम क्या है, बैट और बॉल। तो उसका लोन कितना है, बैट का 2,40,000 का लोन है उसका, 2,40,000 का रेट उसने गिवन नहीं है हमें, 6/100 लेंगे फिर और 6/12, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2,40,000 का 6% / 2 करके इसका लोन आ जाएगा, लोन का ब्याज आ जाएगा 7,200 और दूसरे का लोन कितना है 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है जी। तो 1,20,000 का 6% / 2 करके ये आ जाएगा 3,600, कितना आ जाएगा 3,600। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 9,000 प्लस 60,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600, ये आ जाएगा 79,800। तो अब ये सारा लॉस हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
बैट एंड बॉल, ठीक है जी। और रेशो क्या है उनकी, अगेन 2/5 और 3/5 इंटू 2/5, ये आ जाएगा आपका 31,920, 69,800 इंटू 3/5, ये आ गया 47,880, 31,920, 79,800, ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। बिकॉज रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको बताया कि ये दोनों चार्ज हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस से कटेंगे, चाहे ऑलरेडी लॉस है और चाहे उसके बाद हम फर्म को लॉस भी हो जाए, इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉसेस, आपको ये दोनों चार्ज के फॉर्म में पी एंड एल में डालने ही होते हैं। ओके, तो फिर इससे लॉस बढ़ जाएगा, लॉस को हमने 2/3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको बांट दिया, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 7, 8, 9, ठीक है। आपको समझ आ गया अच्छी तरह, आई होप कि आपने इससे देख के आप अपने नोट्स बना लोगे और अच्छी तरह क्वेश्चंस को समझ लोगे। मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके जी, डन।